अलवारिस हो। वारिस के मानी है मुर्दे के माल का सही हकदार, खावंद, शोहर, मददगार, हामी, हमायती। इन मानों में वाली के तौर के साथ इस्तेमाल होता है। और हकदार की इंग्लिश है हकदार, राइटफुल, हैविंग राइट आर क्लेम टू। और राइटफुल की उर्दू है किसी जगह या हसीयत का हक, जायज हकदार। और हैविंग हैड हैज हैव की उर्दू है अपनी मलकियत के तौर पर, अपने पास, अपनी तहवील में रखना, किसी किस्म का तल्लक या रिश्ता रखना, किसी खसूसियत के तौर पर रखना, हामल होना, किसी तजर्बे से गुजरना, मुशाहदा करना, सहना, किसी काम वगैरह में मशगूल या मसरूफ होना, जलसा वगैरह मुनक़द करना, खाना या पीना या नोश करना, किसी जज्बे वगैरह को राह देना, ऐसे तासर को ज़ाहर करना, जनना, बच्चा देना, जहन में कोई ख्याल वगैरह सोचना, वसूल करना, पाना। माजी के मुख्तलिफ सीगे बनाने के लिए माजी के मतूफा के साथ लगाया जाता है। और राइट बोलेंगे सीधा, इखलाकी या समाजी लिहाज से मुनासब, सही, दुरुस्त, बेखता, लायक, तरजीह, ठीक ठाक, वाकई, सचमुच या जायज़ बात, मुनासब बर्ताव, जायज़ दावा या जवाज, इस्तेहकार, इखलाकी या कानूनी इख्तियार, सीधे हाथ की तरफ का इलाका, सीधे रुख या सीधी तरफ। और कुरान शरीफ में भी जिक्र है सीधे हाथ के लोग और उल्टे हाथ के लोग, और सीधे हाथ के लोग जन्नत की तरफ जाते हैं और उल्टे हाथ के लोग जहन्नम की तरफ जाते हैं, यानी कि अमाल के लिहाज से। तो ये है अलवारिस के उर्दू और इंग्लिश में मानी।